हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माय सेल्फ स्मृति सिन्हा. तो हमने प्रीपोजिशन के यूज में लास्ट क्लास में कहाँ तक का देखा था? एलोंग तक का. अगर आइए हम अपना अगला यूज देखते हैं. अगला हमारा एमोंग. एमोंग मीन्स इन द मिडल ऑफ मोर देन टू, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हम एमोंग का यूज करते हैं. ठीक है, इसका यूज देख लेते हैं. दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो. जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो. एमोंग का यूज वहां होता है जहां पे दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात करते हैं और वहां पे हमारा जो स्टार्टिंग लेटर होता है जिनके बारे में बात किया जा रहा है तो वो हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा. जैसे एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स एमोंग द स्टूडेंट्स, जहां एमोंग हमारा प्रीपोजिशन हुआ. डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स, इन किताबों को छात्रों के बीच में बांट दो. तो यहाँ पे जिसके बारे में बोला जा रहा है किताबों को और जिसके लिए बोला जा रहा है छात्रों के लिए, तो यहाँ हमारा जो एस है वो कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे जो बी है ये कॉन्सोनेंट है. तो इन लोगों के बारे में बात किया जा रहा है तो इनके बीच में हम एमोंग का यूज करेंगे. देन उसके बाद आगे चलते हैं. आगे हमारा एमोंगस्ट. एमोंगस्ट का भी सेम मीनिंग होता है. एमोंगस्ट मीन्स इन द मिडल ऑफ मोर देन टू. एमोंगस्ट का भी यूज हम दो से अधिक लोगों के लिए यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है कि ये कॉन्सोनेंट के लिए यूज होता है एमोंग, और एमोंगस्ट जो होता है हमारा वो वॉवेल के लिए यूज होता है. ठीक है, ये हमारा वॉवेल के लिए यूज होगा और ये हमारा कॉन्सोनेंट के लिए. ये मेन पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे इसको. देन इसका एग्जांपल लेके चलते हैं. टू मैंगोज आर लाइंग अमंगस्ट एप्पल्स, दो आम सेवों के बीच में पड़ा हुआ है. टू मैंगोज आर लाइंग अमंगस्ट एप्पल्स, तो यहाँ पे जो हमारा ए है वो वॉवेल है तो इसलिए यहाँ पे हम अमंगस्ट का यूज कर रहे हैं. और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट था तो इसका एस था यानी कि ये कॉन्सोनेंट था तो हमने एमोंग का यूज किया था. देन आगे हम चलते हैं. आगे है हमारा अमिड और अमिड्स. अमिड मीन्स इन द मिडल ऑफ. ठीक है, अमिड का मतलब होता है किसी भी लोगों के बीच में और इसका यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले, यानी कि वैसा नाउन जो कि अनकाउंटेबल हो उसके पहले हम अमीर का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ही प्रिजर्व मी अमिड ऑल डेंजर्स, वो मुझे हर एक खतरों से बचाया. यहाँ पे अमीर हमारा प्रीपोजिशन है और ऑल डेंजर्स, ऑल डेंजर्स जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हम अमीर और अमीड्स का यूज करेंगे. देन हमारा आगे है अराउंड और ऑल अराउंड. अराउंड मीन्स होता है एवरी डायरेक्शन. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा. अराउंड का मतलब होता है इन एवरी डायरेक्शन. जैसे इसका यूज हम करते हैं इर्द गिर्द, चारों ओर. और इसका एक यूज और होता है, हम इसको लगभग के बारे में भी यूज कर सकते हैं. अगर किसी चीज के होने का संभावना है यानी कि होने वाला है लगभग लगभग, तो वहां पे भी हम इसका यूज करेंगे. जैसे अराउंड का एग्जाम्पल लेके चलते, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड अ गिवन सर्कल. एक सर्कल दिया हुआ है, इसके चारों ओर एक सर्कल बनाओ. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अराउंड जो है वो हमारा प्रीपोजिशन हुआ और एक सर्कल दिया हुआ है. ये सर्कल दिया है और इसके चारों ओर हमें एक सर्कल बनाना है तो ये हमें बताया जा रहा है तो यहाँ पे हम अराउंड का यूज करेंगे. तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे जो हमारा और यूज है. तो चलिए इससे पहले हम देखें, अब हम देखते हैं बिफोर का यूज कहाँ पे होता है. बिफोर का मीन्स पहले क्या होता है? बिफोर मीन्स अर्लियर देन समबडी और समथिंग. बिफोर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु से पहले. ठीक है, इसका यूज हम करते हैं से पहले. से पहले मतलब कि समय या क्रम, टाइम या सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम करेंगे या किसी के सामने. अगर किसी को डिनोट कर रहा है तो उसके सामने में हम बिफोर का यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल, ही स्टूड बिफोर द जज, वो जज के सामने खड़ा था. यहाँ पे हमारा बिफोर प्रीपोजिशन है और जज जो है वो हमारा एक पर्सन है जिसके सामने में वो खड़ा था. देन सेकेंड है हमारा बाई मीन्स ऑफ, बाई डिंट ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ.
बाई मीन्स ऑफ का मतलब क्या होता है? थ्रू समथिंग, किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी साधन के द्वारा किया गया कार्य वो हम बाई मीन्स ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ और बाई डिंट ऑफ में करते हैं। जैसे यूज देखते हैं इनका कहाँ कहाँ करते हैं, के द्वारा, किसी के द्वारा, जिस साधन के द्वारा कोई कार्य को किया जाता है। जैसे कि कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके थ्रू अगर हम किसी भी काम को करते हैं, किसी भी वर्क को करते हैं, तो वहां पे हम इन तीनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। तीनों का मतलब सेम होता है, बाई मीन्स ऑफ, बाई डिंट ऑफ एंड बाई वर्च्यू ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, शी हेल्प मी बाई वर्च्यू ऑफ मनी, वो पैसे से मेरी मदद की, बाई वर्च्यू ऑफ, वो पैसे से मेरी मदद की, यानी कि अगर वो मेरी मदद कर रही है तो किस चीज के थ्रू कर रही है, तो पैसे के थ्रू कर रही है। तो बाई वर्च्यू ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया, तो यहाँ पे हम बाई वर्च्यू ऑफ किए किसी भी, यहाँ पे ऐसे लिखा ना, जिस साधन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, मतलब कि पैसे के थ्रू मेरा वो हेल्प की है, मेरा मदद की है वो, तो फिर यहाँ पे हम बाई वर्च्यू ऑफ कर लिए। यहाँ पे हम बाई वर्च्यू के जगह पे बाई डिंट ऑफ या बाई मीन्स ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, तीनों का मतलब सेम होता है। देन आगे चलते हैं, आगे हमारा बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है एट द बैक ऑफ, किसी भी स्थान या समय, यानी कि किसी भी प्लेस या टाइम के पीछे का जो होता है, वहां पे हम बिहाइंड का यूज करते हैं, एट द बैक ऑफ। या फिर हम इसका इसका यूज हम किसी चीज को छिपाने में भी कर सकते हैं, छिपाव में भी यहाँ पे बिहाइंड का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, तो बिहाइंड हमारा प्रीपोजिशन हुआ, कहाँ है, तो मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे घर, यहाँ पे तो यहाँ जो हो रहा है, यहाँ पे स्थान का हो रहा है, प्लेस का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, तो एट द बैक ऑफ यानी कि मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। देन इसी तरह हम आगे चलते हैं, बिलो, बिलो का मतलब होता है एट अ लोअर पॉइंट और डिग्री, ठीक है, किसी भी मात्रा में या संख्या में या गुण, यानी कि क्वालिटी, नंबर और फिर मात्रा, अल्फाबेट, उसके क्रम में अगर होता है तो उसके उससे कम, यानी कि उससे कम का जो होता है। जैसे कि सपोज हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि वो मेरे पास 5 किलो चीनी है, ठीक है, वो मेरे से 2.5 किलो ली, ठीक है, 2.5 किलो ली, तो मेरे पास कितना बचा, 5 किलो से, 5 किलो से ली तो मेरे पास 2.5 किलो बचा, तो वो मेरे से 5 किलो से जब ली तो मेरे पास जो कम बचा, तो कम का जो पॉइंट है वो 2.5 किलो ही बचा ना, तो वहां पे हम बिलो का यूज कर सकते हैं। जैसे कि, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे का करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, प्लीज डोंट राइट बिलो द लाइन, यानी कि लाइन से नीचे मत लिखो, प्लीज डोंट राइट बिलो द लाइन, लाइन के नीचे मत लिखो, अगर लाइन के नीचे लिखोगे तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगी, और प्लीज डोंट राइट बिलो द लाइन। यहाँ पे हम बिलो का यूज किए, बिलो हमारा प्रीपोजिशन है, यानी कि बिलो का यूज हम किसी भी लोअर पॉइंट या डिग्री के लिए करते हैं जो कि के नीचे से कम, यानी कि मात्रा, संख्या या गुण का भाव शो करता है। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके आगे का रूल। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।